Hello everyone, welcome back to Learn Karo. I'm your educator Nishtha and again I'm back with a series of current affairs and static GK. So today is 1st December, we are going to begin with the current affairs and static GK for this very month. So let's begin with it. So the very first question that we people are going to today is, let's see, who inaugurated first international trade show of Uttar Pradesh? उत्तर प्रदेश का सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो किसने इनॉग्रेट करा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ऑप्शंस पे ना भी जाएं, अगर आप इस इमेज को देखें, इस इमेज के अकॉर्डिंग आपको दो पीपल दिख रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए किसने इनॉग्रेट किया होगा, या फिर आप एक गेस भी कर सकते हैं कि किसने इनॉग्रेट किया होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ. अगर हम इमेज के थ्रू जाएं तो हमें इमेज में दो पर्सन दिख रहे हैं, मिनट पर्सन दिख रहे हैं. एक जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, दूसरे जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर है कौन, योगी आदित्यनाथ, वो दिख रहे हैं. तो इन दोनों में से किसी एक ने इनोग्रेट करा होगा ऑब्वियसली. सो अगर हम एलिमिनेशन के ऑप्शन की तरफ जाएं तो कौन सा एलिमिनेट करेंगे? एक तो हम एलिमिनेट करेंगे नरेंद्र मोदी जी, दूसरे जो अमित शाह हैं उन्हें हम एलिमिनेट करेंगे. यहाँ से दो जो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं दैट इज द्रौपदी मुर्मू एंड सेकेंड इज योगी आदित्यनाथ. सी, योगी आदित्यनाथ इसमें नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज वो सीएम है यूपी के एंड वो एक तरह से होस्ट रहेंगे. उन्होंने इनवाइट करा है किसी को अपनी स्टेट में. सो ऑब्वियसली तो योगी आदित्यनाथ, अगर हम लॉजिक के वे से जाएंगे, वो भी नहीं होंगे. तो जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे वो कौन रहेगा? हमारी प्रेसिडेंट दैट इज द्रौपदी मुर्मू. सो द्रौपदी मुर्मू इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, moving towards the next question now. See, first of all, we'll see something, a few things regarding international Uttar Pradesh, जो हमारे show हुआ है international trade show Uttar Pradesh में, उसके बारे में हम कुछ details को जानेंगे. Uttar Pradesh International Trade Show is a welcome step for taking the products of Uttar Pradesh to the markets of the India and abroad. Now, उत्तर प्रदेश में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को यहाँ से ले करके इंडिया के मार्केट में भी ले जाया जाएगा एंड जो इंटरनेशनल मार्केट है, अब्रॉड हम कह सकते हैं, अब्रॉड में भी इन प्रोडक्ट्स को लेकर जाया जाएगा. देन शी वॉज हैप्पी टू नो दैट मोर देन 2000 मैन्युफैक्चरर्स आर डिस्प्लेइंग देयर प्रोडक्ट्स. नाउ यहाँ पे ये देखा कि 2000 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा गया था, विच मीन्स जो लोग हैं इसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेकर जाने के लिए. नाउ एंड मोर देन 400 बायर्स फ्रॉम 66 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग. और 400 से ज़्यादा बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे जो कि 66 कंट्री से बिलोंग करते थे, जो से पार्टिसिपेट कर रहे थे ट्रेड शो में. Now she expressed confidence that this event would become a powerful medium for manufacturers and entrepreneurs of Uttar Pradesh to establish their reach in the national international market. So, जो main detail है यहाँ पे जानने वाली first is that कि किसने inaugurate करा, द्रौपदी मुर्मू ने inaugurate करा. कितने ज़्यादा यहाँ पे manufacturers थे, there were 2000 manufacturers. कितने buyers थे, there were 400 buyers. And कौन सी countries से, कितनी countries से थे, they were from 66 countries. These are the some basic details. Now इसका major aim क्या था? अगर हम aim की बात करें, इसका aim था that जो international market है और जो Indian market है, उस Indian market में, international market में, abroad में लेके जाके हम यूपी के जो products हैं, उन यूपी के products को sell कर सके, उन्हें show up कर सके. So moving towards the next question now. Which Indian wrestler, कौन से इंडियन रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो 2023 की थी, उसमें इन कौन से इंडियन रेसलर ने इस अवार्ड को, ब्रॉन्ज मेडल को विन करा है? सो ये ऑप्शन आर विनेश फोगाट, देन अंतिम पंघाल, देन मीनू कुमारी या फिर प्रिया भनोत. सो अगर हम यहाँ पे करेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस particular question, which is your Antim Panghal. Now moving towards the next question. The Women's Reservation Bill. First of all, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Women के Reservation Bill की बात हो रही है, जो कि लोकसभा में पास हुआ था with 454 members voting favor. Now कितने members इसके favor में हैं? इसमें 454 members इसके favor में हैं and only two against. सिर्फ two ऐसे members थे जो इसके against में थे. Now what
What is the name of this women reservation bill? ये जो women reservation bill है, इसका name क्या? First of all हम women reservation bill की बात कर रहे हैं, अभी तो ये 2023 में आ रहे हैं, 2010 में भी ये जो women reservation bill था, वो reservation bill आया था राज्यसभा में से शॉप करा गया था, right? In राज्यसभा. Now they are asking कि जो bill है, इस bill का नाम क्या है? इस reservation से क्या होगा कि parliament में जो लोकसभा है उसमें जो members होंगे, जो female members होंगी, female members का जो number होगा वो number increase हो जाएगा. पहले हम देखें तो 33% है, उस number को हमें increase करना है. अगर हम बात करें जो state assemblies है वहाँ पे कितनी females है, वहाँ पे जो representation है that is 33%, but 10% से भी कम female actuality में है, which means कहीं ना कहीं यहाँ पे ये women empowerment की भी बात को ले करके सामने आ रहा है. Moving towards the question, इसके जो options है, इसका correct answer क्या रहेगा? First option is नारी शक्ति सदन, then नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधिनियम या फिर नारी शक्ति अधिनियम या फिर संविधान सदन. So the correct answer रहेगा. Hello Harshit, how are you? I hope आप लोग इन question के answer करेंगे. Now अगर हम question की तरफ जाएं, options की तरफ जाएं, option number B is the correct answer for this particular question, which is नारी शक्ति वंदन अधिनियम. Option number B is the correct answer. Moving towards the next question, लोकसभा passes women reservation bill. जो लोकसभा है उसने pass करा है women reservation bill को. The women reservation bill passed in लोकसभा कब pass हुए? Wednesday को. As a broad consensus emerged among all major parties. And moreover one important thing, जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ने 2010 में इनिशिएटिव लिया था इस बिल को पास करने का. कांग्रेस पार्टी ने किया था एंड इस बिल से जो कांग्रेस पार्टी के पीपल है वो भी हैप्पी है, बिकॉज उनका इनिशिएटिव था, वो हमेशा से चाहते थे कि जो विमेन का रिजर्वेशन है वो इंक्रीज होना चाहिए. दैट्स ग्रेट हर्षद, इफ यू आर फाइन एंड गुड. नाउ आई वांट यू आल्सो एवरीवन टू कमेंट ओवर हियर, जो करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर बताएं, पार्टिसिपेट करें आप सब लोग. नाउ विच इंडियन ओरिजिन ऑथर, इंडिया की कौन सी ओरिजिन ऑथर ने अपना नॉवल वेस्टर्न लेन शॉर्टलिस्ट हुआ है बुकर्स प्राइज में. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि बुकर्स प्राइज क्या है. बुकर्स प्राइज उन लोगों को मिलता है जिन्होंने बेस्ट या एपिक नॉवल्स लिखे होते हैं. ये प्राइज इंटरनेशनली दिया जाता है. नाउ जो ऑप्शंस है, कौन सी इंडियन ऑथर इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुई है, सो ये ऑप्शंस आर सौम्या स्वामीनाथन, देन चेतना मारू या फिर प्रीति बठम और कृतिका खेर. सो जो करेक्ट आंसर रहेगा इस पूरे क्वेश्चन का, ये इमेज है ऑथर की एंड इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे अपने नॉवल का नाम लिखा हुआ है. अलोंग विद दैट जो ऑथर है, ऑथर का नेम भी यहाँ पे मेंशन है जिन्होंने इस नॉवल को लिखा है. आई होप आपको यहाँ पे दिख गया होगा, बट स्टिल लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज चेतना मारू. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Which state government will host the first ever Pro Govinda League in the state? Now, कौन सी ऐसी state है जो सबसे पहली Pro Govinda League को Pro Govinda League को host करेगी? ये options are उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र. So, जो correct answer है that is महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर बी, वेरी नाइस हर्षद, प्रीवियस क्वेश्चन का आपने करेक्ट आंसर दिया है विच इज चेतना मारू, विच इज ऑप्शन नंबर बी. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो कौन सी ऐसी स्टेट है जो प्रो गोविंदा लीग को होस्ट करने जाएगी पहली बार के लिए? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र. जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज महाराष्ट्र. प्रो गोविंदा लीग की है, अगर आप यहाँ पे एक इमेज देखेंगे इस इमेज के थ्रू, obviously बेटा I do teach in English as well, but ये YouTube live class है, so I need to be bilingual. So मुझे यहाँ पे bilingual रहना पड़ेगा. We are going to use both the languages, Hindi also and English also, which is our both the languages are our official language. Okay, so now what they are saying, ये है क्या, ये game किस बारे में है? First of all अगर आप इस image को देखेंगे, इस image को देख के आपको clearly पता लग जाएगा ये game किस बारे में. जन्माष्टमी में क्या होता है, जैसे हम हांडी फोड़ने का कंपटीशन करते हैं सिमिलर वे में, उसी को एक प्रो गोविंदा लीग कहा गया. प्रो गोविंदा लीग में क्या होता है, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे एंड वो एक के ऊपर एक चढ़ेंगे एंड ऊपर एक अदन पोर्ट होगा, हांडी होगी जिसे मटकी को फोड़ना पड़ेगा. नाउ इस गेम को ऑफिशियली होस्ट करा जाएगा कौन सी स्टेट के थ्रू, महाराष्ट्र स्टेट के थ्रू. मूविंग टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके
लीग इज बेस्ड ऑन दही हांडी फेस्टिवल. ये जो लीग है किसके ऊपर बेस्ड है? दही हांडी फेस्टिवल के ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट थिंग ओवर हियर, सी जब एग्जाम्स में आपको आएगा कोई इमेज नहीं मिलेगी. यहाँ पे हम इमेज के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि करेक्ट थिंग क्या है. ओके, ये जो दही हांडी है बेटा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है. एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे मोस्टली जो भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, कोई न्यू स्कीम इनोग्रेट हो रही है या फिर कोई नया अवार्ड आ रहा है, मोस्टली वो दो स्टेट्स में हो रहा है, या तो महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश. किसी क्वेश्चन में अगर आपको महाराष्ट्र मध्य प्रदेश लगे तो वो आंसर हो सकता है, वो ये हम एज्यूम करके चल सकते हैं अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है. हिंट दे रही हूँ मैं आपको किस वे में आ सकता है, बट ये नहीं कि जहां देखा वहां टिक लगा दे. जहां पे आपको नहीं पता वहां पे आप इस ऑप्शन से जा सकते हैं ऑब्वियसली. नाउ दही हांडी का फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग कृष्ण जन्माष्टमी. व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड? कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम से सेलिब्रेट करा जाता है. इसमें क्या होता है, एक अर्दन पोर्ट होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, विच इज फिल्ड विद कर्ड, जिसे दही से भरा जाता है, फ्रूट से, क्यूकम्बर से, और उसके बाद जो जो पार्टी होती है या फिर जो ग्रुप होते हैं जो इस चीज को जीतता है उसे क्या दिया जाता है, उसे प्राइस या फिर रिवॉर्ड दिया जाता है. प्राइस क्या है? प्राइस में मनी दिया जाता है. इज स्ट्रंग हाई अप इन एयर ड्यूरिंग दही हांडी. अ टीम इज ऑफ गोविंदास गोविंदा इज अनदर नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा. नाउ दे आर सेइंग जो गोविंदास गोविंदा है, जो गोविंदा नेम है, गोविंदा नेम लॉर्ड कृष्ण का अनदर नेम है. सो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा? सो जो गोविंदा है या जो गोविंदा है वो कौन से भगवान जी का नेम है? सो गोविंदा वुड बी योर करेक्ट आंसर. फॉर्म ऑफ ह्यूमन पिरामिड टू ट्राई टू ब्रेक अप द पॉट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इनोवेटिव फीचर फॉर बैंकिंग ऐप. नाउ जो बैंकिंग एप्स है, उन बैंकिंग ऐप का एक इनोवेटिव नया सा फीचर आया है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप. नाउ कौन से बैंक ने एक ऐप को इंट्रोड्यूस करा है जिस ऐप का नाम आयरिस है? ये क्या ऑफर करेगी, या कोई डिजिटल बैंकिंग ऑफर सॉल्यूशन करेगी, विच मीन जितने भी आपको बैंक से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे आप डिजिटल वे में अपने घर से बैठ के, अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप्स के थ्रू कर सकते हैं. नाउ व्हाट वुड बी द थिंग्स? नाउ इस चीज़ को कौन से बैंक ने इशू करा है? साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, या फिर HDFC बैंक. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐप है, इस ऐप में 100 से ज़्यादा फीचर्स हैं, विच मीन्स जो ऐप है आपको पूरा कंप्लीट बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी आपको आपके घर पे बैठे हुए डिजिटल फॉर्म में. सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द करेक्ट आंसर. योर करेक्ट आंसर ओवर इज योर ऑप्शन नंबर सी, विच इज योर येस बैंक ओवर हियर. Now moving towards the next question. Before moving towards the next question, we are going to see a bit of the explanation of this question. Okay, Yes Bank ने क्या launch करा है? एक new mobile banking app launch करी है जिसका नाम है Iris. या फिर ये question आ सकता है, Yes Bank has inaugurated या फिर launch. Yes Bank launched which of the following banking app? So your answer would be Iris. Question आपका opposite way में पूछा जा सकता है. Now how many features are there in this particular app? So there are 100 over 100 features. 100 features से ज़्यादा हैं. Now options में आपको 100 भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर over 100 भी लिखा हुआ मिल सकता है. जैसे options होंगे according to options आपको correct answer की तरफ जाना होगा. If 100 and over 100 लिखा है तो उन दोनों में से जो best suitable answer that is a over 100. Now Iris Mobile Banking App has a sleek and intuitive user interface with an eye on security and aim to offer simplified banking. Now ये आपको क्या provide करेगा? Simplified banking solution ये app आपको provide करने जा रही है. Moving towards the next question now. Who has been appointed as new brand ambassador of Bharat Petroleum Corporation Limited? किस person को BPCL Bharat Petroleum Corporation Limited का एम्बेसडर अपॉइंट कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस इमेज को देखेंगे, इस इमेज के थ्रू हमें पता लग पा रहा है कि किस पर्सन को अपॉइंट किया गया, बट स्टिल जिन्हें क्रिकेट की इतनी नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं एक बार ये ऑप्शंस को रीड आउट कर देती हूँ. रवि शास्त्री या फिर हरमनप्रीत कौर. सी इमेज के थ्रू अगर हम आंसर की तरफ जाएं तो ऑब्वियसली फीमेल तो नहीं हो सकती है, कौर लगा हुआ है विच मीन्स फीमेल का नेम है, फीमेल तो नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पे इमेज एक मेल की दी गई है, फीमेल नहीं हो सकते. सी ऑप्शन क्या हमारा? राहुल द्रविड़. सो ऑप्शन नंबर बी को हम एलिमिनेट कर देंगे, राहुल द्रविड़ या फिर महेंद्र सिंह धोनी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर इज योर ऑप्शन नंबर सी, राहुल द्रविड़ इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. मूविंग टूवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
ओके अक्षय ऊर्जा डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे. जो अक्षय ऊर्जा डे होता है उसे एनुअली किस डे पे हम ऑब्जर्व करते हैं. नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज योर अक्षय ऊर्जा डे. इसे एनुअली हर ईयर कौन से डेट को इन कौन से मंथ को हम सेलिब्रेट करते हैं. सो योर ऑप्शंस आर नो बेटा ऑप्शन नंबर सी फॉर यू आई गेस यस फॉर प्रीवियस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट राहुल द्रविड. नाउ आई वॉन्ट यू टू आंसर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रामेटिक आरएस मैम मेरी करंट अफेयर्स बहुत वीक है पर आपसे पढ़ के अब समझ आने लगे. वेरी नाइस दैट्स ग्रेट थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग. ओके सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कौन से डे को हम सेलिब्रेट करते हैं. आप बताइए हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं. टिल देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाएंगे हम इमेज के थ्रू पढ़ेंगे कि इमेज के अकॉर्डिंग अक्षय ऊर्जा डे क्या होता है. व्हाट इज अक्षय ऊर्जा डे. इंडिया अक्षय ऊर्जा डे हैप्पी अक्षय ऊर्जा दिवस फ्यूचर इज ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी. विच मीन्स ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं. जो फ्यूचर होगा हमारा वो किस टाइप की एनर्जी से रिलेटेड होगा. ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी सोर्स ऑफ पावर जिसे आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं. अगर मैं पावर की बात करूं ये टू टाइप्स में पावर्स मिल सकती है. कौन कौन सी सोर्सेज होते हैं. कन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. टिल देन आपको इसका आंसर बताना है. इसके ऑप्शंस आपको बताना है तब तक बिकॉज आई एम गिविंग यू एक्सप्लेनेशन आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर. ओके नाउ या फिर नॉन कन्वेंशनल. नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज कौन सी होती है. वो सोर्सेज हम ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे. वेरी नाइस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है विच इज योर 20th August. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं. वो सोर्सेज हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं. बहुत लंबे से टाइम से हम उन्हें यूज करते आ रहे हैं. तो यहाँ पे ट्रेडिशनली विच मीन्स बहुत लंबे टाइम से हम इन्हें यूज करते आ रहे हैं. अगर आपको मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है तो आपका एक आंसर क्या है कि मैम कोयले से जनरेट होती है. सो पहली हमारी कन्वेंशनल सोर्स क्या है. कोल होगी देन पेट्रोलियम होगी देन नेचुरल गैस होगी. अगर मैं इन तीनों चीज़ों की बात करूँ ये सारी सोर्सेज कैसी सारी तीनों सोर्स ऑफ एनर्जी कैसी ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो लिमिटेड है. लिमिटेड है इसका मतलब क्या है ये टाइम के साथ फिनिश हो जाएंगी. जब ये सोर्सेज टाइम से फिनिश हो जाएगी हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं बचेगी. जब कोई भी सोर्स नहीं बचेगी तो हमें कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा ना कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा. सो वो जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी होती है जो कि रिन्यूएबल होती है. राइट ये क्या है. दीज आर नॉन रिन्यूएबल विच मीन्स इसे हम रिन्यू नहीं कर सकते. सी अगर मैं कंप्लीटली इसका मीनिंग बताऊँ नॉन रिन्यूएबल हम इसे क्यों कहते हैं. ये रिन्यू होंगे बट इसे रिन्यू होने में लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे और जो ह्यूमन बींग का लाइफ टाइम है वो इतना नहीं है. दैट इज वाई इसलिए हम कन्वेंशनल सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को हम क्या कहते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो टाइम के साथ रिन्यू हो जाएंगी जो टाइम से दोबारा से बन जाएंगी. सी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड रिन्यूएबल एनर्जी. अब जो आपने आंसर बता दे तो बाकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दूंगी. नाउ अगर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल. ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है. फॉर एग्जाम्पल ये सोलर एनर्जी. आपने काफी सारे प्लेसेस पे सोलर पैनल्स देखे होंगे. वो सोलर पैनल क्या है. वो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर की हेल्प से भी करते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ विंड आल्सो वाटर आल्सो अलाउ मी अ मोमेंट प्लीज. ओके माय बोर्ड इज नॉट सपोर्टिंग मी एट ऑल एज ऑफ नाउ अलाउ मी अ मोमेंट प्लीज. ओके लेट्स कंटिन्यू. नाउ वाटर होगी सोलर एनर्जी होगी विंड एनर्जी होगी एंड वाटर होगी अलोंग विद टाइड्स होगी.
टाइड्स मीन्स ओशियन में हमारे जो हाई टाइड्स आती हैं, लो टाइड्स होती हैं, उसकी हेल्प से भी हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी वर्ड है वो किस लिए यूज है, पावर के, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सोलर मीन्स सोलर पैनल्स हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। देन विंड, जब विंड चलती है एक विंड मिल दिखाते हैं ना, उसकी हेल्प से हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। वाटर की एनर्जी से हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वाटर से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे डैम्स होते हैं, डैम से वाटर बहुत तेज से फ्लो करता है। जब वाटर बहुत तेज से फ्लो होता है, जैसे टर्बाइन टाइप ऑफ लगाई होती है, जैसे वाटर उस पर गिरेगा तो क्या होगा, वो मूव स्पीडली मूव करेगी। स्पीडली मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बाकी का जो रिमेनिंग वाटर होगा, वो बाकी का रिमेनिंग वाटर इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए फार्म्स में, खेतों में यूज करा जाएगा। सो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हमारा जो फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। विच मीन्स अगर आपने देखा, इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट इलेक्ट्रिक बसेस भी आ रही हैं। ऐसी इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं जो 169 सिटीज में यूज़ करी जाएंगी, जो गो ग्रीन के नाम से हैं। विच मीन्स हम किस, हमारी जो डिपेंडेंस है वो नॉन कन्वेंशनल की जगह नॉन कन्वेंशनल पे जा रही है, ऐसी एनर्जी पे जा रही है जो हमारे पास बहुत अबंडेंस में है और जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। फाइन, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी अभी मैंने आपको गो ग्रीन के बारे में बताया था, अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक बसेस की बात करी थी मैंने, अभी वही इलेक्ट्रिक बसेस आपको यहां भी दिख गई हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च्ड टू एग्यूमेंट ऑगमेंट सिटी बस ऑपरेशन बाय 10,000 ई बसेस ऑन पीपीपी मॉडल। ना आपको ये बताने की ऐसी कौन सी स्कीम है जिस स्कीम के अंडर में 10,000 ई बसेस को इंट्रोड्यूस करें। ई बसेस का मतलब क्या हुआ, ऐसी बसेस जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करेंगी। नाउ ये जो बसेस हैं, ये 10 इयर्स तक के टाइम पीरियड के लिए चलेंगी, और ये जो बसेस है स्पेसिफिकली कितनी सिटीज में चलेंगी, 169 सिटीज में चलेंगी। ऐसी सिटीज में चलेगी जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है, या फिर 3 लाख है। अलोंग विद दैट, ये 3 लाख का जो नंबर है, 3 लाख का नंबर किसके अकॉर्डिंग लिया, पॉपुलेशन का, जो हमारे 2011 के जो सेंसस हुए थे, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमने ये नंबर लिया, विच इज योर 3 लाख प्लस, 3 लाख या 3 लाख प्लस की जो सिटीज हैं, उन सिटीज में क्या होगा, ये बसेस चलाई जाएंगी। नाउ दे आर आस्किंग, ये जो बसेस है, इन बसेस ये कौन सी स्कीम के अंडर में लॉन्च हुई है। सो नेम ऑफ द स्कीम आर भारत ई बस सेवा, या फिर पीएम ई बस सेवा, सिटी ई बस सेवा, या फिर सेंट्रल ई बस सेवा। नाउ अगर हम इसके आंसर की तरफ जाएंगे, सो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज योर पीएम ई बस सेवा। अब आप कैसे याद कर सकते हैं पीएम ई बस सेवा, यहाँ पे पीपीपी मॉडल लिखा हुआ, पी से पीपीपी मॉडल है एंड पीएम से पीएम ई बस सेवा है। वेरी नाइस ड्रामेटिक आरएस, जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, दैट इज योर पीएम ई बस सेवा। वेरी नाइस। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। सी एज इट्स मेंशन ओवर हियर, 169 से ज्यादा सिटीज में इन्हें डिप्लॉय करा जाएगा। अलोंग विद दैट, ये क्या है, ये 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोंग विद दैट, जो हिली एरियाज विच मीन्स आपके जितने भी हिल स्टेशन है, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, वहाँ आपको सारी बसेस देखी। मैं इन बसेस को पर्सनली देख चुकी हूँ इन हिल स्टेशन पे ही। नाउ शिमला में मैंने इन बसेस को देखा है, नाउ हिली एरियाज में चलेगा। एंड आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इन बसेस को यूज किया जाएगा। वेरी नाइस हर्षित, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ना जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है ना, इस डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पहले से आया था 2015 में, आई गेस 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बिगेन हुआ था। बट ना दोबारा से ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को 5 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। कौन से तक ले, 2021-22 ईयर्स से लेके 2025-26 का जो टाइम पीरियड है, जो 5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, इन 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए इस स्कीम को क्या कर गया, इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका बजट जानना है, आफ्टर नोइंग रिगार्डिंग इसका बजट कितना है, आफ्टर नोइंग रिगार्डिंग द बजट विल मूव टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो ये ऑप्शन आर 4,903 करोड़,
11,903 crores, 14,903 crores और 24,903 crores. सी 903 crores तो सब में आ रहे हैं. अब हमें करेक्ट आंसर की तरफ जाना कि करेक्ट आंसर क्या होगा इसका. तो जो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज 14,903 crores. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. इट वुड एनेबल द फॉलोइंग. इससे हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी. 6.25 लाख जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उन्हें दोबारा से रीस्किल करा जाएगा, या फिर उनकी जो स्किल है उन्हें क्या करा जाएगा, उनकी स्किल को अपग्रेड करा जाएगा, जिससे कि जो फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम्स हैं उन फ्यूचर स्किल प्रो प्राइम प्रोग्राम्स में उन्हें इनिशिएट करवाया जा सके. वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर. देन 2.65 लाख persons will be trained in information security. 2.65 lakh people को information security में क्या करा जाएगा, allow me a moment, security में train करा जाएगा, education awareness phase में train करा जाएगा. along with that, very nice, option number C is the correct answer. 540 additional services will be available under unified मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस. नाउ इसके साथ साथ आपको 540 एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी. 540 सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी किस चीज़ के अंडर में, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के आपके अंडर में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग. उमंग की फुल फॉर्म क्या है, ये जो उमंग है ये उमंग किस स्कीम के अंडर में है, तो यह किस प्रोग्राम के अंडर में है. तो प्रोग्राम का नाम क्या है, डिजिटल इंडिया इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम. नाउ 9 मोर सुपर कंप्यूटर्स विल बी एडेड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन. 9 और सुपर नेशनल जो कंप्यूटर्स है उन कंप्यूटर्स को एड ऑन करा जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि हाउ मेनी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, हाउ मेनी सुपर कंप्यूटर्स विल बी एडेड. सो कितने कंप्यूटर्स को ऐड करा जाएगा, 9 कंप्यूटर्स को यहाँ पे ऐड करा जाएगा. अलॉन्ग विद दैट जो 9 कंप्यूटर्स है, 9 कंप्यूटर्स को कौन सी स्कीम के अंडर में या कौन से मिशन के अंडर में डिप्लॉय करा जाएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंडर में. सो इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में से हमारे 3 to 4 क्वेश्चन बन रहे हैं. हमें क्वेश्चन को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है, सो दैट जिससे कि हमारे एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन और जनरेट होंगे और उसके आंसर और नॉलेज हमें इजिली मिल सके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, when was RC in India Trade in Goods Agreement originally signed? Now they are asking, जो RC in India Trade Goods Agreement है originally कब उसे sign करा गया था, 2005 में, 2009, 2013 और 2007. First of all, you need to know, ये जो agreement है, ये agreement क्या है? Now RC in क्या है? अतुल पांडे मैम, मुझे करंट पे बिल्कुल नहीं आती है, क्या करूँ? बेटा नीड नॉट टू वरी, जो चीज़ आपको यहाँ बताई जा रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको इंटरकनेक्ट करके बताई जा रही है, ठीक है? सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट होगी. जो स्कीम है यहाँ पे बता रही हूँ, इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ. जब आप इन चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपको आने लग जाएगी. और आप फिर जो आपके पास के लोग हैं आप उन्हें ही बताएंगे, अच्छा स्कीम में ये चीज़ है. जब आप कुछ देखेंगे आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे. ये एकदम प्रोसेस नहीं हो पाएगा, बट ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. हम भी ऐसे ही सीखते हैं, नीड नॉट टू वरी, सब कुछ आ जाएगा. बस आपको सुनना है और समझना है और डेली इस सेशन को आपको अटेंड करना है, क्लियर? नौ, जो आसीन है, ये आसीन क्या है, ये जो ईस्ट साउथ एशियन ग्रुप्स है उनका ये एक ग्रुप है. नौ, ये किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की बात करें. नौ, ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट क्या है, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में बेटा 2010 यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है अतुल पांडे, हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना है. नाउ जो पर्टिकुलर अग्रीमेंट है, ट्रेड का अग्रीमेंट है, इस ट्रेड के अग्रीमेंट में क्या होगा, कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लिया जाएगा जिसमें जो टैरिफ्स और टैरिफ्स को रिड्यूस करा जाएगा. नाउ जो वो टैरिफ है, उस टैरिफ वर्ड का मतलब क्या होता है, उस टैरिफ वर्ड का मतलब टैक्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिटेल की तरफ जाएंगे. इंडिया आसीन अग्री टू रिव्यू FTA by Foreign Trade Agreement by 2050 की 2050 ईयर तक क्या करा जाएगा, जो ट्रेड है उस ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करा जाएगा. अलॉन्ग विद दैट आई गेस 67 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आई एम नॉट श्योर कितने प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स है उस टैक्स को रिमूव करा जाएगा या फिर कम करा जाएगा. In a significant move, India and ASEAN countries have
come to an agreement, reevaluate their existing free trade pact. Now, जो free trade pact है, free trade pact का मतलब क्या हुआ कि आप बिना कोई tax लगाए, बिना कोई tariff लगाए जो product है उनका import and export करेंगे. Now, जो correct answer, your correct answer is your 2009 for this particular question. Moving towards the next question now. Okay, Onam is significant culture celebrated in Kerala span over how many days? Now, first of all, ये पूछ रहे हैं कि जो Kerala है, Kerala का ये जो culture है Onam का, ये कितने days में celebrated है? First of all, जो पहला question बन रहा था, that is, where Onam is celebrated? Onam को कहाँ celebrate करा जाता है? Kerala में celebrate करा जाता है. दूसरी चीज, normally जो हम festivals को celebrate करते हैं, वो हम किससे celebrate करते हैं? वो किसी ना किसी god के लिए हम celebrate करते हैं. For example, जन्माष्टमी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा. जन्माष्टमी किस लिए हम celebrate करते हैं? Lord Krishna के birth को mark करने के लिए हम जन्माष्टमी को celebrate करते हैं. रामनवमी किस लिए? राम जी के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं उसे. सो जितने भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हम किससे सेलिब्रेट करते हैं? किसी गौर ने या तो कुछ अच्छा करा था. गूगल पे 2010 आ रहे हैं बेटा, 2009 इज द करेक्ट आंसर. नाउ जो ट्रेड्स होते हैं, अच्छा, दैट मीन्स आप गूगल करके आंसर बता रहे हैं चीजों का, राइट? बेटा गूगल पे माइट भी हो सकता है दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो ट्रेड्स होते हैं ये टाइम टू टाइम होते हैं. कभी 2010 में इनके होते हैं, कभी स्टार्टिंग होते हैं, कभी 2009 में. इनकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अलग टाइम में साइन होते हैं. नाउ आई एग्जैक्टली डोंट नो आपने गूगल पे क्या टाइप करा है, बट मैं आंसर की तरफ जाऊँ, इसका आंसर 2009 ही रहेगा. सो नीड नॉट टू वरी रिगार्डिंग दैट. नाउ वेयर वाज आई, जो भी हम चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं वो हम किसी ना किसी गॉड के नेम पे सेलिब्रेट करते हैं. बट जो ओनम हम सेलिब्रेट करते हैं वो एक राक्षस थे जिनके नाम पे हम ओनम को सेलिब्रेट करते हैं, जिनका नाम है महाबली. ही इज महाबली, कि इस दिन पे जो महाबली है ये महाबली वापस आते हैं. नाउ कहने को ये राक्षस है, बट हम रियलिटी में अगर हम इनके नाम को देखें, ये कैसे राक्षस थे कि जो अपनी प्रजा थी, अपनी प्रजा को हमेशा ये खुश रखा करते थे. प्रजा को खुश रखने के साथ ही क्या करते थे, अपनी प्रजा को गिफ्ट्स देते रहते थे, उपहार देते रहते थे. इस वजह से इनकी प्रजा बहुत खुश रहती थी. नाउ इनकी जो तारीफें थी, इनकी तारीफें तीनों लोक में होने लगी और बाकी के जो लोग थे वो घबराने लगे कि जिस हिसाब से इनकी तारीफ होने लगी, जल्द ही जो स्वर्ग लोग हैं स्वर्ग लोक में भी अपनी एंट्री करेंगे. सो ये जो माँ होती है ओनम, ये माना जाता है कि जो महाबली राक्षस थे, वो क्या जो महाबली डीमन थे, ये क्या करेंगे, राक्षसों के जो राजा थे ये जल्द ही ये वापस आते हैं उस दिन. ना ओनम पे क्या करा जाता है, जैसे बैसाखी पे पंजाब में फसल को काटा जाता है, सिमिलर वे में केरला में जब फसल को काटा जाता है तब ओनम को सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ कितने डेज के लिए इसे सेलिब्रेट करा जाता है? सो ये ऑप्शन आर 5 days, 7 days, 9 days या फिर 10 days. 10 days इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सी यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है. ओनम सेलिब्रेट्स द होम कमिंग ऑफ द असुर किंग. जो असुरों के किंग है महाबली, ये माना जाता है कि वो पाताल लोक से वापस आ रहे हैं. चाहे वो डीमन किंग थे, डीमन किंग होने के बाद भी महाबली को एक जेनरस माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड थे. नाउ द गोल्डन टाइम फॉर केरला, जिस टाइम पे इनकी होमकमिंग होती है वो केरला के लिए गोल्डन टाइम पीरियड होता है. ये रीज़न है कि इस वजह से जब इनके रिटर्न बैक होते हैं, जब ये वापस आते हैं, उस दिन को हम ओनम सेलिब्रेट करते हैं. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. द 15th समिट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप इज बींग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री. नाउ जो ब्रिक्स है, नाउ ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स 5 countries का ग्रुप है. नाउ लेट मी राइट ओवर हियर, ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. एज ऑफ नाउ जो ब्रिक्स है ये 5 countries का ग्रुप है, बट 19 ऐसी और कंट्रीज हैं जो इसमें इसका पार्ट बनना चाहती हैं. ये क्वेश्चन हो गए. ओके, थैंक्स अ लॉट गोल्डन जेड, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. ओके, बैक टू द क्वेश्चन. अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं. जो ब्रिक्स है वो क्या है, ब्रिक्स 5 countries का ग्रुप है. बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका. 19 ऐसी और कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट बनना चाहती है. नाउ दे आर आस्किंग इस ग्रुप की जो चेयरमैनशिप है, जो 15 समिट की जो चेयरमैनशिप है वो कौन सी कंट्री के हाथ में है, ब्राजील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका. सो जो करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट इज साउथ अफ्रीका. ओवर हियर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर.
ना हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि ब्रिक्स कौन से समिट को साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था, तो 15 समिट को साउथ अफ्रीका ने होस्ट करा था। अलोंग विद दैट जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स से फुल फॉर्म क्या है या कितने नेशन का ग्रुप है, सो नेशन कितने नेशन ग्रुप है, ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ फाइव नेशंस, फाइव प्लस ही फाइव नेशन का ब्रिक्स क्या है, ग्रुप है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, अगर आपको फुल फॉर्म याद होगी तो आपको इजीली असेस कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है। राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इन विच स्टेट हैज मुख्यमंत्री सीखो कुमाओ योजना बीन लॉन्च। नाउ मुख्यमंत्री सीखो कुमाओ योजना कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक हिंट दिया था, मैंने क्या हिंट दिया था, मोस्टली जो ऐसी स्कीम्स होती हैं जो इनोग्रेट हो रही है, न्यू स्कीम्स होगी या कोई अवार्ड होगी, वो मोस्टली या तो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में होंगी। सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ जाएं, ऑप्शंस में हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार दिख रहे हैं। सो क्या मध्य प्रदेश इसका आंसर हो सकता है? यस, मध्य प्रदेश इज ओनली द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस बेटा, ऑब्वियसली आई एम ब्लशिंग बिकॉज आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। किसी को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो हर कोई ब्लश करेगा, हर कोई खुश होगा। आप जितना मुझे अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उतना ही अच्छे से मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नाउ इस योजना में क्या करा जाएगा, इस पर्टिकुलर योजना में आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाएगी। जब आपको स्किल्स सिखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग काइंड ऑफ प्रोवाइड करी जाएगी। जब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, उस ट्रेनिंग के टाइम में जो आपको अमाउंट दिया जाएगा, उस अमाउंट को स्टाइपेंड कहते हैं। नाउ वो आपको 8K विच मीन्स 8,000 से लेके 10,000 तक दिया जाएगा। आफ्टर दैट जब आप इन पर्टिकुलर चीज में स्किलफुल हो जाएंगे, या तो आपको गवर्नमेंट ही जॉब प्रोवाइड कर देगी या फिर जो बाकी की कंपनीज हैं आप उन कंपनीज में जाके जॉब को अवेल कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स की बात करें ना, हम ऐसे देख रहे हैं कि काफ़ी सारी स्कीम्स निकल के आ रही हैं। जितनी ज़्यादा स्कीम्स के बारे में हमें यहाँ पे पता होगा, उतनी ही ज़्यादा हमें नॉलेज भी अपग्रेड होगी। एंड आप लोग भी, ये जो स्कीम है, स्कीम में काफ़ी लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें, इसके लिए पर्टिकुलर फॉर्म फिल करा जाता है। उसके अंडर में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो स्टूडेंट्स को काफ़ी चीज़ें सिखा रही है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, Who has been appointed as the CEO of Vacuum 18 Digital Business Division? Now, Vacuum 18 Business Division, Digital Business Division के CEO का नाम क्या है? So, your options are Kevin Vass, Alok Jain, Kiran Maini या फिर Shakti Kanta Das. So, जो correct answer है, बेटा पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लीजिए आप लोग, compliments आप लोग बाद में दे लीजिएगा, ठीक है? Now, your options are Kevin Vass, Alok Jain, Kiran Maini या फिर Shaktikant Das. Your correct answer over here is your option number C, Kiran Maini. Moving towards the next question, because अभी बहुत सारे static GK questions भी रहेंगे, इस पे ध्यान दीजिए जल्दी से आप. Who has become second Indian to reach to the final chess World Cup? कौन ऐसा second Indian है जो final, जो second Indian है जो final chess World Cup पे पहुंच चुका है? कृष्णन, शशि किरण या फिर निहाल सरीन और आर प्रगनंदा और पेंटाला हरे कृष्णा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच स्टेट, ओके दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड ओवर हियर। यहाँ पे जो ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस है, ये प्रो गोविंदा लीग के बारे में, प्रो गोविंदा लीग के, जिस दिन हमारे कृष्ण जन्माष्टमी होते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो हांडी फोड़ने का जो कॉम्पिटिशन होता है उसे प्रो गोविंदा लीग कहा गया। जो प्रो गोविंदा लीग है इसे ऑफिशियली अब एक गेम अनाउंस करा गया है, एंड ये कौन से स्टेट ने करा, कौन से स्टेट है सबसे पहली बार होस्ट करने जा रही है। सो योर करेक्ट आंसर महाराष्ट्र ओवर हियर। अगेन जिसमें महाराष्ट्र ऑप्शन था, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर निकल करके आया है। राइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉरेन कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लाइमेट एम्बिशन समिट। इनमें से कौन सी कंट्री ने क्लाइमेट एम्बिशन समिट में पार्टिसिपेट नहीं करा है? चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या ऑल ऑफ द अबव। जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किसी कंट्री ने भी पार्टिसिपेट नहीं करे। जिन कंट्री ने पार्टिसिपेट, बेटा किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करे। पिछले वाले का आंसर बेटा महाराष्ट्र था। मैंने आपको एक हिंट दिया था, अगर लास्ट क्वेश्चन को देखें, जिन भी ऑप्शंस में मध्य प्रदेश आ रहा है या फिर महाराष्ट्र आ रहा है, उनका करेक्ट आंसर मोस्ट प्रोबेबली या तो मध्य प्रदेश रहेगा या महाराष्ट्र रहेगा। मैक्सिमम ये गेम्स से रिलेटेड आ रहा है, अवार्ड से रिलेटेड आ रहा है या फिर किसी किसी पर्टिकुलर चीज के इनोग्रेशन से रिलेटेड आ रहा है। सो मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किसी भी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करे, जिन कंट्री ने पार्टिसिपेट करे एक का नाम नेपाल है एंड दूसरी कंट्री का नाम श्रीलंका है, राइट? नाउ ये जो समिट थी, इस समिट का मेन एम क्या था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उस ग्लोबल वार्मिंग को आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस करना है। सो ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करना इनका मेन एजेंडा था। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सी चाइना यूएस एंड इंडिया एब्सेंट। चाइना इंडिया और यूएसए एब्सेंट थे यूएन की यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट एम्बिशन समिट से। इन द रन अप टू समिट About 100 heads of state have written in response to call the security general. ये important नहीं है आपके लिए, बस ये चीज़ important है आपके लिए। Now moving towards the next question. Which of the following countries is not a member of the Alliance of Sahel State? Now इनमें से कौन सी country member नहीं है Alliance of Sahel State के? Your options are Mali, Burkina Faso, Niger या फिर Chad. So your correct answer over here is Chad. Now moving towards the next question. Okay, which country is now ranked as a world freest economy? कौन सी country को world freest economy कहा गया है? Your options are Singapore, Hong Kong, Switzerland या फिर New Zealand. Your correct answer over here is Singapore. Singapore को क्या कहा गया? World freest economy. Moving towards the next question now. Okay, which insurance salesman invented fountain pen? Now फाउंटेन पेन किसने इन्वेंट करा था? Now ये जो क्वेश्चन है इनके आपको कुछ हिंट्स बताऊंगी, उससे अकॉर्डिंग आपको हमेशा याद रहेंगे। फाउंटेन पेन किसने इनोग्रेट करा था, इन्वेंट करा था 1884 में। Now जिस पर्सन ने फाउंटेन पेन को इन्वेंट करा था वो एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे। Now ये ऑप्शन है लुइस एडसन वॉटरमैन, सर विलियम ग्रॉव या फिर चार्ल्स कैटरिंग और जॉर्ज फाउंटेन। Now फाउंटेन यहाँ लिखे एंड फाउंटेन यहाँ लिखे, इससे कंफ्यूज नहीं होने। जॉर्ज फाउंटेन इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस थिंग। हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फाउंटेन का मतलब फुवारा होता है, इससे पानी निकल के आता है। सो फाउंटेन और वाटर रिलेटेड है ना। सो जो करेक्ट आंसर है इसका वो क्या, लुइस एडसन वाटरमैन। सो फाउंटेन से क्या निकलता है? फाउंटेन से वाटर निकलता है। सो जो करेक्ट आंसर इसका वो क्या है, लुइस एडसन वाटरमैन। लुइस एडसन वाटरमैन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving towards the next question. Who among the following invented pox vaccine? Now इनमें से किसने pox vaccine को invent करा था? Robert Koch, Edward Jenner, Robert Hooke या फिर Louis Pasteur? Now किस person ने इनमें से pox की vaccine को invent करा था? So जो करेक्ट आंसर है आपको इस क्वेश्चन में, दैट इज एडवर्ड जेनर। जिस क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट मिल रहा होगा जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको कोई ना कोई हिंट दूंगी आंसर को याद रखने का। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सो ये ऑप्शन आर लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक या फिर ए वी ल्यूवेनहॉक। So who was the first person to discover the bacteria? The first person to discover the bacteria was your option number D, which is A.V. Leeuwenhoek. Moving towards the next question. बेटा आप इतने ना पहली होने की नीड नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आइए। ओके हरी अब पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। Who invented aeroplane? Aeroplane किसने invent किया था? First of all, you need to know, दो brothers थे जिन्होंने aeroplane को invent किया था। They were two brothers, right? Now, इनमें से आपको कौन से दो नाम दिख रहे हैं? जो आपको दो नाम दिख रहे हैं ना, वही इसका करेक्ट आंसर है। First is Christian Huygens, then Michael Faraday, then फिर Orville Wright and Wilbur Wright. जो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज योर ऑर्विल राइट एंड विल्बर राइट। नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज राइट ब्रदर्स। कभी कभी आपको ऑप्शन में राइट ब्रदर्स के नाम से भी ये मिलेगा। सो राइट ब्रदर इज द करेक्ट आंसर, दे आर ऑल्सो नोन एज राइट ब्रदर्स। सो एरोप्लेन किसने इन्वेंट करा? जब एरोप्लेन फ्लाई होता है तो उसमें दो पायलट होते हैं, राइट? सो दो पायलट हम याद रखें कि दो पर्सन ने इसे इन्वेंट करा था, जो कि राइट ब्रदर्स है जिनका नाम था ऑर्विल राइट एंड विल्बर राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ,
इज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन है? योर ऑप्शंस आर टेड नेल्सन, माइक सैंडल या फिर बिल गेट्स और टिम बर्नर्स-ली। नाउ जो करेक्ट आंसर दैट इज योर टिम बर्नर्स-ली। अब इसे याद कैसे करेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब भी ये थ्री वर्ड्स है एंड जो आंसर है, नेम ऑफ द इन्वेंटर है, वो भी थ्री वर्ड्स है, टिम बर्नर्स-ली। सो टिम बर्नर्स-ली और वर्ल्ड वाइड वेब से हमें याद रहेगा कि ये थ्री वर्ड्स यहाँ आते हैं, थ्री वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? टिम बर्नर्स-ली। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बेटा आई एम नॉट एंग्री एट ऑल, बट मेरा जो मेन पर्पज है यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर स्टैटिक जीके सिखाना है, जो चीजें आपके एग्जाम में काम आएंगी। सो काइंडली फोकस ऑन दीज थिंग्स। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? मैरी क्यूरी, स्टेफन वेन लुई, बेक्यूरेल या फिर डब्ल्यू सी रोएंगटेगन। नाउ किस पर्सन ने एक्सरे को क्या करा था, एक्सरे को इन्वेंट करा गया था? सो ये ऑप्शन है मैरी क्यूरी, स्टेफन वेन लुई या फिर बेक्यूरेल और डब्ल्यू सी रोएंगटेगन। ओके, सो जो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज W.C. Roentgen, which is your option number D over here. Right, now moving towards the next question. Who is known as a father of geometry? Father of geometry किसे कहते हैं? ये option are Kepler, Aristotle, Euclid और फिर या फिर Pythagoras. See, Pythagoras एक theorem है, so geometry Pythagoras ने नहीं invent करी थी. Then एरिस्टोटल क्या है? एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी, सो एरिस्टोटल भी नहीं हो सकते यहाँ पे आंसर, पाइथागोरस भी आंसर यहाँ पे नहीं हो सकते। देन ऑप्शंस कौन से बचते हैं आपके? केपलर एंड यूक्लिड। सो जो करेक्ट आंसर है ज्योमेट्री का दैट इज यूक्लिड। यूक्लिड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बेटा जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, करंट अफेयर्स तो आते ही आते हैं, साथ में जो कि जनरल नॉलेज है, जो स्टैटिक जीके होते हैं, स्टैटिक जीके भी आते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ स्टैटिक जीके आल्सो, करंट अफेयर्स आल्सो। जो अवार्ड्स हैं, बुक्स के नाम हैं, ये सारी चीज़ें जनरली आपके स्टैटिक जीके से ली जाती है। सो स्टैटिक जीके तो करनी ही करनी है हमें, साथ में करंट अफेयर भी कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। सो दोनों पे फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें ये नहीं पता कौन सा पर्सन क्या चीज दे देगा, बट एग्जाम में क्या आएगा, बट हमें हर एक चीज के प्रिपेयर रहना है। इफ इन केस ना भी है तो जनरल नॉलेज तो आपकी इंक्रीज हो रही है ना। नाउ हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन? किसने पोलियो की वैक्सीन को इन्वेंट किया था? रॉबर्ट कोच, एल्बर्ट सेबिन, जोनस साल्क या फिर बर्क होल्डर। सो जो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दैट इज योर एल्बर्ट सेबिन। Albert Sabin is the correct answer for this particular question. Moving towards the next question now. Okay, the telephone was invented by. Telephone ko kisne invent kiya tha? Your option are G.C. Marconi, J.L. Bate, Thomas Barrow ya fir Alexander Graham Bell. अच्छा, जब फोन आता है, ट्रिंग ट्रिंग होता है, तो फोन की बेल बजती है ना, घंटी बजती है ना, तो जब टेलीफोन आएगा क्या होगा? बेल रिंग होगी, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। फोन को हम कैसे याद कर सकते हैं? जब टेलीफोन आते हैं बेल रिंग होती है, राइट? सो करेक्ट आंसर क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल से टेलीफोन, क्लियर? सो इससे आपको ग्राहम बेल याद रहेगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, व्हिच वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट क्रेडिटेड विद पॉइंटिंग आउट द सर्टेन गैसेस कुड कॉज ग्रीन हाउस? ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो क्या कर सकती हैं, जो ग्रीन हाउस के इफेक्ट को कॉज कर सकती है ना? ये ऑप्शंस आर जॉन टाइंडल, देन चार्ल्स डार्विन, देन जॉर्ज टॉरी पीटरसन, देन स्टीफन जे गॉल्ड। सो जो करेक्ट आंसर है इसका क्या है? जॉन टाइंडल। Now, इस आंसर को हम कैसे याद कर सकते हैं? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे थे? वो हार्मफुल होते हैं। जब कोई हार्मफुल चीज हमें मिलेगी तो हम क्या होंगे? हम सैड हो जाएंगे, हम डल हो जाएंगे। सो ये डल को हम डल कंसिडर करेंगे। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है? हमारे लिए हार्मफुल होती है। जब कोई हार्मफुल चीज हमारे पास आएगी तो हम क्या होंगे? हम डल फील करने लगेंगे बहुत ज्यादा।
तो जब डल फील करने लगेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जॉन टाइंडल. सो जॉन टाइंडल इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ये बताया था पहली बार कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, वो हार्मफुल होती है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हु इज नोन एज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब? एटॉमिक बॉम्ब के फादर का क्या नाम है? एटॉमिक बॉम्ब किसने इन्वेंट करे थे? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर या फिर जनरल लेस्ली ग्रॉव्स और एडवर्ड टेलर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर. जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. बाइसिकल वॉज इन्वेंटेड बाय? बाइसिकल किसने इन्वेंट करी थी? एलेक्सेंडर सन, देन मैकमिलन, एचमैन या फिर नन ऑफ द गिवन? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन नंबर बी विच इज मैकमिलन. मैकमिलन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हु डिस्कवर्ड प्रिंटिंग मशीन? प्रिंटिंग मशीन को किसने डिस्कवर करा था? ये ऑप्शन आर जोनस गुटेनबर्ग, एलेक्सेंडर ग्राहम बेल. अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था एलेक्सेंडर ग्राहम बेल. एलेक्सेंडर ग्राहम बेल ने किसको इन्वेंट करा था? So he invented telephone. Telephone was invented by Alexander Graham Bell. Now options are वापस आते हैं Nicholas Copernicus या फिर Louis Van Hook. Now the correct answer for this particular question is your option number A, Jonas Gutenberg. Jonas Gutenberg is the correct answer for this question. Now moving towards the next question. The first person to see cell under the microscope. ऐसे कौन से पहले पर्सन थे जिन्होंने पहली बार सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा था? मैक्स वन लॉय या फिर गुस्ताफ क्रिचॉफ, रॉबर्ट हॉक और हैंस बेथे? करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रॉबर्ट हॉक. रॉबर्ट हॉक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, द साइंटिस्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. अभी आपको बताया था दैट हु वाज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन में आपको ये आंसर बताया. बी एफ स्किनर, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, विलहेम वॉन्ट और आर्किमिडीज? नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज योर एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. The law of gravity was propounded by. Gravity के law को किसने propound किया था? Alfred Binet, Alfred Kinsey, Isaac, Sir Isaac Newton और Alexander Fleming? Now which is the correct answer for this particular question? Option number C, which is Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton is the correct answer for this question. Moving towards the next question. The solar system was discovered by. Solar system को किसने discover करा था? जिस solar system के अंदर हम भी आते हैं उस solar system को किसने discover किया था? अगर मैं आपको solar की meaning बताऊं, solar system का meaning होता है sun god. तो जो solar family है, family of sun भी कहलाई जाती है. That is why we call it as solar system. Now your options are Galileo, then Finsen, Copernicus या none of the above. So your correct option for this particular question is particular question is Galileo. Galileo is the correct answer for this particular question. Moving towards the next question now. Stethoscope was invented by whom? Stethoscope ko kisne invent kiya tha? Your option are Bessemer, René Laennec or Henry Becquerel or none of the given. So which one is the correct answer? René Laennec is the correct answer for this question. Now moving towards the next question. Television was invented by whom? Television ko kisne invent kara tha? Charles, J.L. Baird, Shockley or John Napier? Correct answer kya rahega ki television ko kisne invent kara tha? J.L. Baird. Acha, television ko hum short term TV likhte hain. Agar hum ise TV na likhe, television humko TL likhe, तो हम आंसर के नियर पहुंच जाएंगे. टेलीविजन की शॉर्ट फॉर्म टीवी ना करके टीएल करें तो हम आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे. टीएल
से रिलेटेड क्या हम करेंगे, जे एल बेड. सो जे एल बेड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. टाइपराइटर वाज इन्वेंटेड बाय, टाइपराइटर को सबसे पहले किसने इन्वेंट करा था, शॉकले, शॉल्स, हॉय और नन ऑफ द गिवन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शॉल्स. Charles is the correct answer for this particular question. Moving towards the next question now. Okay, so that is all for today. We have completed all the current affairs along with the static GK. Now again tomorrow we are going to meet in the another session of current affairs. Till then, if aapko current affairs and static GK aur better manner mein aur complete explanation ke sath padhna hai and CUET ke jitne bhi domains jo hamare paas sare domains hai उनकी अच्छे स्टडी करनी है तो आपको क्या करना है, आपको हमारी राइस बैच को ज्वाइन करना होगा. जिस राइस बैच में हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, हम आपको कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. किस चीज़ के लिए, CUET, IB मैथ एंड IPCET की प्रिपरेशन के लिए. अलॉन्ग विद दैट हमारे राइस बैच में हम आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप लेक्चर्स के साथ वन टू वन क्या कर सकते हैं, वन टू वन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके साथ, वन टू वन बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं उनके साथ. साथ में हम आपको 15 फिजिकल बुक प्रोवाइड करते हैं, 2000 प्लस मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, जिन मॉक टेस्ट सीरीज को आप पढ़ के अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, गारंटी एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस में. अलॉन्ग विद दैट हम आपको फुल CUET, IB मैथ सिलेबस की प्रेपरेशन करवाते हैं एंड 100% काउंसलिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं. नाउ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं CUET का सिलेबस हमारे थ्रू पढ़ने से, DU, BHU, IP यूनिवर्सिटी, IIMS, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस और NMIMS. इफ इन केस आपको किसी भी तरह का डाउट है या आपको कोई भी डेमो लेक्चर्स लेने हैं सो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जो भी डाउट है आप उस डाउट को डिस्कस कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी डू हैव अ टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलेंगी. द नेम ऑफ अवर चैनल इज CUET बाय गोकुल छाबड़ा. सब्सक्राइबर्स का नंबर है 54872. अलॉन्ग विद दैट आप हमारे लर्न करो के लाइव लर्निंग ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस ऐप पे आपको फ्री बैचेस भी मिलेंगे एंड पेड बैचेस भी मिलेंगे. डू डाउनलोड ऐप, हमारी ऐप को डाउनलोड करें जिससे कि आप CUET की प्रेपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी आर अगेन गोइंग टू मीट यू पीपल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेम सेशन विद अ न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग विद मी इन ऑल द क्वेश्चंस. दैट इज ऑल फॉर टुडे. बाय एवरीवन, टेक केयर.